हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत इन खूबसूरत पिटूनिया के फ्लावर के साथ। तो आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा और कितना सुंदर कलर लग रहा है ये रेड। ये मेरा रेड पिटूनिया है और दो मैं और भी लाई हूँ, तो उसका भी फ्लावर ब्लूम नहीं हुए हैं, तो वो भी आपको दिखाऊँगी मैं जब होंगे। तो आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे इनके फ्लावर्स होते हैं। और इसके साथ है मेरा ये डायंथस का, और इसका भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा कलर है, तो काफ़ी सुंदर इसमें भी काफ़ी कलर आते हैं। तो बाकी ये डॉग फ्लावर है, तो उसको भी फ्लावर नहीं हो, एक बार आए थे तो स्पेंड हो गए हैं, तो अब बस इसमें भी अभी आएंगे। तो फ्रेंड्स, और ये देखिए, ये देखो गजानिया के, देखिए कितना प्यारा कलर निकला, ये ऑरेंज कलर, तो ये भी काफ़ी प्यारा कलर है। और ये तो धूप निकलेगी तो ये तभी ब्लूम होता है, अगर मौसम ख़राब हो तो ये बिल्कुल भी ब्लूम नहीं होता है। तो आज का मौसम ज़रा देख लीजिए आप, तो काफ़ी अच्छा मौसम है। अब थोड़ी सी अभी ठंड में भी थोड़ा सा हो गई कम, और देखिए बारिश का मौसम बना हुआ, रात को काफ़ी बारिश हुई है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मेरी है, जो मैंने दो ग्रो बैग में गाजर के प्लांट लगाए थे, तो उनकी हार्वेस्टिंग करूंगी आज मैं। तो चलो आपको भी दिखाती हूं मैं फिर। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है मेरे दो ग्रो बैग जिसमें कि मैंने गाजर लगाई हुई थी, तो उसके सीड्स मैंने लगा दिए थे इसमें काफ़ी। तो अभी बिल्कुल तैयार है हार्वेस्टिंग के लिए, ये देखिए आप, शायद आपको दिखाई दे रही है, ये देखिए। तो अब मैं ये दोनों ही ग्रो बैग खाली कर दूँगी, क्योंकि इनका अब टाइम हो गया है। तो चलो अब मैं इनकी हार्वेस्टिंग करती हूँ, तो फिर आपको साथ साथ में दिखाती भी हूँ, क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा निकालना मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए आप, थोड़ी मिट्टी बहुत, तो इनको निकाल के तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, देखिए मैंने मिट्टी थोड़ी ढीले कर दी इनकी, ये देखिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा एक ग्रो बैग। तो ये है दूसरा वाला, तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने दोनों ग्रो बैग से गाजर निकाल दिए सारी की सारी। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ हुई है, तो ये काफ़ी अच्छे मुझे लगे। तो ये देखिए आप, फुल्ली ऑर्गेनिक मैंने लगाए थे, जब मैंने ग्रो बैग भरे थे तो उसमें सारा किचन वेस्ट ही भरा था मैंने, तो उसका रिज़ल्ट मुझे ये मिला है। तो कम से कम भी ये 3 या 4 kg तो निकली गई है मेरे दो ग्रो बैग से, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला मुझे। सिर्फ गलती मेरे से एक ही हो गई है कि मैंने बीज थोड़े घने लगा दिए, शायद क्या लग गए हैं, जिसका कि कुछ रिज़ल्ट ऐसे मिला है कि कुछ मेरी छोटी छोटी रह गई हैं और कुछ तो काफ़ी अच्छी हैं। तो चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर लगाऊंगी तो इससे ज़्यादा अच्छी लगाऊंगी, क्योंकि जब भी हम कुछ लगाते हैं तो कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है फ्रेंड्स। तो ओके फ्रेंड्स, मिलती हूँ फिर आपको न्यू वीडियो में, न्यू टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए, अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तो मिलती हूँ न्यू वीडियो में, ओके बाय, राम राम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Happy gardening!